तेनू समझावा की आंखों ने आंखों को जो सपना दिखाया था। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल। वेलकम टू द मैंगो फेस्टिवल फ्रॉम फ्रेशले। आज फ्रेशले मैंगो फेस्टिवल पे यहाँ पे मौजूद है और फ्रेशले जो है यहाँ पर लोगों से कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछेगा, कुछ इंटरटेनमेंट करेगा और इंटरटेनमेंट के बाद उनको थोड़ा सा गिफ्ट हैंपर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे ऑडियंस का, किस तरह से यहाँ पे जो है लोग इस इवेंट को देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है अमेजिंग किस्म के हमारे पास मैंगोज मौजूद हैं। तो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अपने पहले व्यूअर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फ्रेशले का ये स्टॉल आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ना काफ़ी इंटरटेनमेंट, आपने LCD वगैरह लगा रखी है, कोई गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं मैंने सुना है। सही 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 सही। तो क्या जानते हैं आप फ्रेशले के बारे में? फ्रेशले एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पे शॉपिंग के लिए हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। सही सही सही। तो आप फ्रेशले इंस्टॉल कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं की, अब आज पहली दफ़ा इसको देखा है ना, तो मुझे लग रहा है इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। सही सही सही। तो यहाँ पर आप घूम रहे हैं, ये आप देख रही हैं, इतना अच्छा इवेंट है, मैंगो इवेंट है, कैसा लगा आपको इस इवेंट में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम कल भी आए थे क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी मंसूबा यूनिवर्सिटी है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ तो वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो मैं कल भी आया था, आज भी आऊँ, इंशाल्लाह मैं सुबह भी आऊँगा। लाइफ में क्या बनना चाहते हैं आप? लाइफ में पहले तो मैंने IT किया है, अब मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और मेरी जो जॉब है ना वो मैं डीलर की कर रहा हूँ। अच्छा, पहले IT किया, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ये IT और कंप्यूटर साइंस में फ़र्क क्या है? फ़र्क कोई नहीं है, बस ये है कि जो IT होती है वो मैनेजमेंट के लिए होती है और जो कंप्यूटर साइंस वो डेवलपमेंट साइड पे होती है। ज़रूरी नहीं, IT वाले भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई शक नहीं। मैं प्रोफेसर हूँ IT का, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ मैं। तो चलते हैं, चलें ब्रदर देन दिस वन, हम चलते हैं थोड़ा सा फनी टॉक की तरफ। तो अगर मैं बोलूँ आपको डांसिंग, सिंगिंग या कोई लतीफ़ा सुनाना पड़े, क्या करेंगे आप? तो मैं थोड़ी सी सिंगिंग कर दूंगा। कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं ताकि फिर हमें मज़ा आया तो हम आपको गिफ्ट देंगे। मेरी आवाज़ अच्छी है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आवाज़ किसकी अच्छी होती है, सबकी आवाज़ ही ख़राब होती है। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल। यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल। दिल यहीं रुक जा जरा, रुक जा, आ जा। ये गिफ्ट आपका हुआ, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? सज्जाद खान मेरा। जी सज्जाद साहब, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, ये हर साल होना चाहिए और इससे पब्लिक को अवेयरनेस मिलती है। अच्छा, आपको अगर एक ऐसा ऐप दिया जाए जो आप घर बैठकर फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रॉसरी कुछ भी आप घर बैठकर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा है, आजकल चूँकि जदीद ज़माना है तो मॉडर्नाइजेशन का दौर है, तो उसमें आजकल ये कुछ ही चल रहा है। आपको मैंगो कौन सा ज़्यादा पसंद है? मैंगो अनवर अटोल पसंद है। अनवर अटोल पसंद है। आप अपनी लाइफ का कोई फ़नी वाकया सुना दें। कौन सा फ़नी वाकया अपनी लाइफ का कोई सुना दें? हाँ, मेरी लाइफ के बहुत से वाकयात हैं, मसलन मेरी जो मैरिज हुई है हुई है तो कज़न मैरिज है मेरी, लेकिन मैं पसंद करता था बचपन से उसको, लव स्टोरी है। तो मैंने बड़ा वेट किया उसका, मेरे साथ ही आई जो आई। चलें शुक्र है आपको, आपका लव मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सबा। जी सबा, तो आप कैसी हैं? सबा मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो आज आई नहीं है। तो सबा आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा। आपने इंजॉय किया यहाँ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंगो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? चौनसा। चौनसा, उसमें कोई ख़ास वजह? बस उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। अच्छा, तो हम आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो सुनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे आपको यहाँ से नहीं जाने देना। अपने हस्बैंड की पूरी बात
कोऑपरेटिव हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं। बुरी बात ये है गुस्से वाले हैं। गुस्सा तो हर इंसान में होता है, आपकी कौन सी बुरी बात? मुझ में बुरी बात ये है मैं ज़िद्दी हूँ। अच्छा ओके, अच्छी बात कौन सी आप में? मैं इनसे ज़्यादा कोऑपरेटिव हूँ। वाओ अमेजिंग। हाँ जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है उसने ठीक। शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? कैसर रियाज। कैसर रियाज, कैसर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब ये बताएं कि ये जो मैंगो फेस्टिवल है ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, हर किसी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट की हुई है अपनी, बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन की हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। सर ये बताएं कि आपको खाने में कौन सा मैंगो पसंद है? खाने में मुझे अनवर अटोल। अच्छा माशाल्लाह अनवर अटोल पसंद है जी, मुझे भी अनवर अटोल पसंद है। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो अगर आपको एक ऐसी ऐप दी जाए जिसमें आप घर बैठे हुए फ्रूट और सब्जियां मोबाइल पर ऑर्डर करके मंगवा सकें बहुत अच्छी प्राइसेस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जहरी सी बात है कि आज के लाइफ में अब हर बंदा बहुत ही ज़्यादा बिजी है और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, कभी एक्सीडेंटली भी कोई चीज़ मंगवानी पड़ सकती है, तो ये एक अच्छा आपका माशाल्लाह का इनिशिएटिव है कि हम घर बैठे बुलाएं और अच्छी क्वालिटी का डालते, तो इसमें और क्या चाहिए हमें जी। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि हमारी यहाँ पर एक रिवायत है कि आपको कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा, कोई गाना या कुछ भी सुनाना पड़ेगा, तो आप क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाऊंगा जी काम। अच्छा जी माशाल्लाह सॉन्ग सुनाएंगे जी, हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं तो हमें ये भाई जो है सॉन्ग सुनाएंगे जी, बताएं। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त गाया इन्होंने। हुण मैनूं दसो कि मैं तेनू देवां की नहीं एक डब्बा मिलेगा दे जी इनको गिफ्ट दें, ये डिजर्व करते हैं, बहुत जबरदस्त गाना गाया इन्होंने। ये जी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? एमन। एमन आप यहाँ कितना एंजॉय कर चुके हैं अभी सुबह से आकर? बहुत ज़्यादा। कौन सी क्लास में है? एट क्लास में है जी। पेपर्स हो गए हैं जी? लाइक है या ना लाइक है आप? लाइक। लाइक हो, कैसे साबित होगा कि आप लाइक हैं? अच्छा पढ़ती हूँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो आ तो रहा होता है मगर आता नहीं है? नहीं आता? नहीं। गेस करें। वो कल है जो आ तो रहा होता है मगर आता नहीं है, क्योंकि आ जाता है अगला दिन वो कल बन जाता है। आप वही सुना दो, ये इजी हो जाओ। कौन सा? कोई भी सुना दो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारमा। थैंक यू, बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ जी ये बताएं सबसे पहले कि आपको मुल्तान का ये मैंगो फेस्टिवल कैसा लगा? अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन सा मैंगो पसंद करती हैं, आपको कौन सा मैंगो अच्छा लगा? अनवर अटोल। अनवर अटोल, वाह जी अनवर अटोल, और मुझे भी अनवर अटोल पसंद है बाय द वे, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि अनवर अटोल के आखिरी दिन चल रहे हैं हमारे पास, तो दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हैं खा लें। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपको वेजिटेबल कौन सी पसंद? वेजिटेबल एज सच पोटैटो के अलावा और कोई पसंद नहीं है। मतलब लोग कम ही वेजिटेबल खाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मुल्तान में एक ऐप को ऐसी ऐप प्रोवाइड की जाए
जहाँ पर आप डेली बेसिस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल जस्ट एक क्लिक पर अपने घर में मंगवा सकें, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, सारी एक किस्म की परेशानी खत्म हो जाएगी कुकिंग टाइम, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ की वजह से रुक जाती हैं चीज़ें। सही बात है जी, ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी मुल्तान के लिए। और मुझे ये बताएं कि आप हमें, हमारी एक रिवायत है, आपको हमें कुछ ना कुछ सुनाना होगा, कोई सॉन्ग, कोई लतीफ़ा, कुछ भी, एनी थिंग जो आप अच्छा कर सकती हैं, तो आप बताएं हमें क्या सुनाएंगे? जो आप कह दें करना। आपको अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। आंखों ने आंखों को जो सपना दिखाया था, देखो कहीं टूट जाए ना। इतने जमानों में जो लौट कर आया है, फिर कहीं रुट जाए ना। बस वाओ, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा गाया है। एक छोटा सा आखिरी सवाल लो, फिर हम उसके बाद आपको आपका गिफ्ट देंगे। आप मुझे ये बता सकती हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते, सैलेड। मतलब वेजिटेबल सैलेड ही सैलेड खाया जा सकता है, उसमें तो कोई मना नहीं। आई नेवर टुक अनियंस इन ब्रेकफास्ट, सो आईड से अनियंस ऐसी चीज है जो मैं कभी नाश्ते में नहीं खाऊंगी, रॉ अनियंस। वो बात ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं खा सकता नाश्ते में, वो क्या? रात का खाना। वेरी गुड, एक जनाब इन्होंने जबरदस्त जवाब दिया है। नाश्ते में हम लंच और डिनर नहीं कर सकते, तो इसके लिए इनका गिफ्ट बनता है, इनको गिफ्ट दीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मारुख शाह। अच्छा मारुख, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कब आई थी आप यहाँ पर? मैं यहाँ दोपहर में। अच्छा, कितना इंजॉय कर चुकी हैं आप? काफ़ी इंजॉय किया, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है। मैंगो खाती हैं आप? जी बहुत शौक। इसलिए आप मैंगो फेस्टिवल पे आपने येलो ड्रेस वेयर किया हुआ है, तो आप मुझे बताएं आपको कौन सा मैंगो ज़्यादा पसंद है? आई लाइक एवरी टाइप ऑफ मैंगो। वाओ अमेजिंग। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? एक शेर सुना। हाँ शेर सुना दें। एक देख कर सुनाएंगे? हाँ। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। एक तबस्सुम पे कर दूँ दो जहाँ निछावर, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। वाह वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये कभी नहीं खाएगी। चले मैम, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये हमारी फ्रेशले कंपनी का